और मेरे आका ने फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी वहिया कल्बी वहिया रूही। फरमाया फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। आए हाय फातिमा बोलिए ना, इसको प्यार से कहिए फातिमा मेरी जान का हिस्सा है। फिर आका ने फरमाया वही कल्बी और ये मेरा फातिमा मेरा दिल है। फिर फरमाया वही रूही और फातिमा मेरी रूह है। और मैं कहता हूं हुजूर समझाना ये चाहते हैं लोगों समझो फातिमा मेरा सब कुछ है क्योंकि फातिमतुज़्ज़हरा हुजूर की जान का हिस्सा भी है, जिगर का टुकड़ा भी है, बदन का टुकड़ा भी है, दिल भी है, रूह भी है, जान भी है। इसलिए नबी और आले नबी के इस ताल्लुक पर फना नहीं, वो आज भी है, वो कयामत के दिन भी होगा। तो लोगों उस ताल्लुक को मजबूत कर लो जिस पर फना नहीं है। इसलिए अल्लाह पाक ने नबी और आले नबी के जिक्र को अपनी इबादत की थाल में रखा है, अपनी इबादत के झूमर में रखा है, अपनी इबादत के झुरमट में रखा है, सजा के रखा है। जिस तरह अल्लाह के जिक्र और उसकी इबादत को फना नहीं, इस तरह नबी और आले नबी के जिक्र को फना नहीं। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस अहले बैत और फातिमा और उसके घराने का जिक्र करके आपने फरमाया कि जो फातिमा से फातिमा के बेटों से फरमाया फातिमा था व अबूहा व बअलुहा व बनूहा, जो फातिमा से और फातिमा के बाबा से और फातिमा के शोहर से और फातिमा के बेटों से, ये इस तरह आका अलैहि सलाम ने कितने हसीन तरीके से बयान किया फातिमा व अबूहा व बअलुहा व बनूहा, जो फातिमा से मोहब्बत करे, जो फातिमा के बाबा से मोहब्बत करे, जो फातिमा के शोहर से मोहब्बत करे, जो फातिमा के बेटों से मोहब्बत करे, ये सारा बयान करके फरमाया अल्लाह उससे मोहब्बत करता है और जो इनसे बुग्ज रखे अल्लाह उनसे बुग्ज रखता है, अदावत रखता है। इस पर जो हदीस पाक बयान करना चाहता हूं तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस, तिर्मिज़ी हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं। आका अलैहि सलाम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा ले अलीन व फातिमा वल हसन वल हुसैन, फरमाया अना हर्बुन लिमन हारबतुम व सिल्मुन लिमन सालमतुम। फरमाया अली फातिमा हसन और हुसैन जो तुमसे लड़ेगा खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा उससे लड़ेगा, और जो तुमसे सुलह करेगा खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफा उससे सुलह करेगा। तो आका अलैहि सलाम ने अपनी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार अहले बैत के इस पाक अफराद को बना दिया। और फिर आका अलैहि सलाम ने इस पर दूसरे रुख से ज़िक्र और तौबीख के अंदाज में फरमाया। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला और रिवायत करते हैं और इमाम अहमद बिन हंबल ने फजाइल सहाबा में हदीस नकल की, फरमाया قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابغضنا اهل البيت فهو منافق। ए अहले बैत जो हमसे बुग्ज कर रखेगा वो मुनाफिक है। फिर फरमाया आका अलैहि सलाम ने لا يحبنا منافق ولا يبغضنا مؤمن। ए अहले बैत हमसे कोई मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता और हमसे कोई मोमिन बुग्ज नहीं रख सकता। ये हो नहीं सकता कि कोई शख्स हो मुनाफिक, उसका दिल ईमान से महरूम हो और हमसे मोहब्बत करे। नहीं, मुनाफिकत और मोहब्बत अहले बैत एक दिल में जमा नहीं हो सकते। और फरमाया हो नहीं सकता कि कोई शख्स हो मोमिन और हमसे बुग्ज रखे, ईमान और बुग्ज अहले बैत एक दिल में जमा नहीं हो सकते। फिर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, आपने फरमाया कि आका अलैहि सलाम ने एक दिन
हमें खिताब किया। इमाम तबरानी ने अल मुअज्जम अल औसत में हदीस रिवायत की और खिताब करके फरमाया, अय्युहन नास मन अबगज़ना अहलल बैत हाशरहु अल्लाह यौम अल क़ियामा यहूदियन फकुल को या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इंसान व सल्ला काला नाम इंसान व सल्ला नाम इंसान व सल्ला। फरमाया लोगो सुनो खुदा की इज्जत की कसम, जो मेरी अहले बैत के साथ बुग्ज रखेगा कयामत के दिन उसका हश्र और नशर यहूदी बनाकर किया जाएगा। जो मेरी अहले बैत से बुग्ज रखेगा कयामत के दिन उसका हश्र और नशर यहूदी बनाकर किया जाएगा। और हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमाते हैं, मैं बैठा था, मैंने एक सवाल कर दिया, मैंने पूछा या रसूलल्लाह इंसान वसल्ला खा वो सारी जिंदगी रोजे भी रखे और सारी जिंदगी नमाज भी पढ़े। फरमाया ना इंसान वसल्ला वो रोजे रखे नमाज पढ़े मगर मेरी आली बैत से बुग्ज के बायस क़यामत के दिन यहूदी बन के उठेगा। बुग्ज आले बैत रखने वाला इस रब्बे काबा की इज्जत की कसम, रब्बे मुस्तफा की इज्जत की कसम, रब्बे अंबिया की इज्जत की कसम, जिस दिल में बुग्ज आले बैत है न उसकी नमाज कबूल है न उसका रोजा कबूल है न उसका तवाफ़े काबा कबूल है न उसका कलमा कबूल है न सज्दा कबूल आका अलैहि सलाम ने दो बार दोहरा के कहा इंसान व सल्ला इंसान। लोग किसी को मुगालता न रहे, अगर दिल में अहले बैत का बुग्ज हो तो बुग्ज अहले बैत रखने वाले शख्स को नमाजें बख्शवा नहीं सकते, रोजे बख्शवा नहीं सकते। और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, और मैं ये जितनी अहादीस बयान कर रहा हूं ये शिया कुतुब से नहीं बयान कर रहा, सुनियो समझो सुन्नियत क्या है, समझो सुन्नियत क्या है। ये सुन्नियत है, अगर अकीदा ये है तो अहले सुन्नत हो, अगर अकीदा ये नहीं तो अहले दोज़ख। ये नुक्ता है अहले सुन्नत और अहले तशय्यो, आका की सारी उम्मत को एक नुक्ते पर जमा करने का। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहि सलाम ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युबग़िज़ुना अहलल बैत अहदुन इल्ला अदखलहुल्लाहु नार। आका अलैहि सलाम ने फरमाया उस रब की इज्जत की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो शख्स मेरी अहले बैत से बुग्ज रखेगा अल्लाह उसको दोज़ख़ का ईंधन बना देगा। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहि सलाम ने फरमाया लौ अन्ना रजुलन सफ़ बैन रुकने वाल मुकाम, फरमाया अगर कोई शख्स काबतुल्लाह में खड़ा हो, हदीस पाक काबतुल्लाह में खड़ा हो और खड़ा कहां हो, रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान खड़ा हो, जो काबा के सहन में सबसे बुलंद रुतबा जा जाएगा। फरमाया कोई शख्स रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान सहने काबा में खड़ा हो, वसल्ला वसाम और सारी जिंदगी रोजे भी रखे और नमाज भी पढ़े और खड़ा भी रुकने यमानी और मुकाम इब्राहिम के दरमियान काबा को थाम करो, फरमाया खुदा की कसम वह मुबग़िज़ुन लिअहलि बैत मुहम्मदिन दाखला नार, और अगर वह अहले बैत मुहम्मद से बुग्ज़ रखने वाला है वो दोज़ख़ का ईंधन। और आका अलैहिस्सलाम ने आगे हदीस पाक में फरमाया कि खुदा की कसम आपने कहा लोगो मेरी अहले बैत के बुग्ज से बचे रहना, मेरी अहले बैत के बुग्ज से बचे रहना। फरमाया अगर अहले बैत का बुग्ज दिल में हुआ और तुम भूल के कहीं हौजे कौसर से आ गए, हौजे कौसर पे आ गए
तो वहां से दोजख की आग के जर्रों के साथ तुम्हें धकेल के फेंक दिया जाएगा। हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा, मुस्तफा की शफात नसीब नहीं होगी। कैसे नसीब होगी मुस्तफा की शफात? आपको पता है कि रोजे हश्र है किसका? मालूम है रोजे महशर? उस नबी की शफात की तवक्को करते हो? रोजे महशर हर कोई आएगा, मगर महशर हर एक के लिए यकसां होगा, हर एक की आमद के लिए यकसां होगा। बड़ी बड़ी तकद्दस मआब बीबियां आएंगी, बड़ी बड़ी अजीम वलिया सालेहात आबिदा जाहिदा आरिफा आएंगी, सरापा इस्मत और तहारत की पैकर आएंगी, बड़ी बड़ी हस्तियां आएंगी, मगर हर एक की आमद उसकी शान के मुताबिक होगी। एक हस्ती की आमद, एक हस्ती की आमद कयामत के दिन होगी। ताजदार कायनात ने फरमाया, नादा मुनादिन मिन बुतनान अर्श, अर्श के बतन से और अर्श के पर्दों से एक आवाज आएगी, या अहला माशर गद्दू अबसारकुम वनक्सु रुउसकुम। यह हदीस नबवी है, हदीस मुस्तफा है। ए महशर वालो, अर्श इलाही से आवाज आएगी, मुनादी देने वाला निदा देगा, ए महशर वालो अपनी आंखें झुका लो, अपनी गर्दनें खम कर लो, गर्दनें झुका लो, सर झुका लो, आंखें झुका लो, हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्त मोहम्मद। लोग पूछेंगे क्यों आवाज आएगी कि फातिमा तो ज़हरा तशरीफ ला रही। जब तक सैयदाए कौनैन, जब तक सैयदाए कायनात, जब तक सैयदो सैयदतु अहले जन्नत, सैयदतु निसाइल मोमिनीन, सैयदतु निसाइल आलमीन, लख्त जिक्र मुस्तफा, जाने मुस्तफा, रोए मुस्तफा, फातिमतु जहरा, जब तक गुजर ना जाएंगी, अहले महशर में कोई नबी हो या वली नजर उठा के खड़े होने की इजाजत ना दे।